काल का तरस नहीं आ तो मम्मी रो रही चले जाए डेंगा दैया रे। हाँ आओ नहीं तब हमने कही अगर आप आओ तो हम चप्पल ही लेकर मारा है। एक देवी जो है ना वो कह रही है कि मतलब मेरी लड़की को मारा है मतलब और पेट में जो प्रेग्नेंट थी बच्चा था पेट में। हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं हूँ इस समय अरियारी और आपको पता होगा कि रश्मि अब इस दुनिया में नहीं रही है तो राजा दीदी के यहाँ पे जा रहे हैं। ये अरियारी की है, नाम भूल गए का नाम काजल, काजल नाम। ये हमारे सपना बुआ है, हमारे सपना आ चुकी हैं, इनको सपोर्ट करो, हाँ लाइक करो। तो गाइस अभी हम जाएंगे वहाँ पर, सब्सक्राइब करो। तो गाइस वहाँ पे जाना जाएंगे हम लोग, अभी देखेंगे जाके, हम तो कभी भी नहीं गए एक भी बार अभी राजा देवी के यहाँ पे। तो अभी हम चल रहे हैं और ये बिट्टी हमारे लोगों संगे राधा देवी से मिलन चल रही ना, बोल रही है अपनों वाला है ना बाजार लगा थे तो चाला वाला डर रही है। आप लोगों का संगा हम वो माता होने लगे जा अरे यार। हाँ बोलो कैसे बोलती हो। हाय फ्रेंड ये कौन है, तो गाइस सब हम जा रहे हैं राधा देवी के यहाँ पे। वो मेरे गांव की एक लोग थी, उनसे बात करने लगे थे, रिया चिल्ला के रहेगी रुको चलती चली जा रही, हमें तो घरों नहीं पता किधर राती। तो गाइस हम आ चुके हैं राधा देवी के यहाँ पे। तो गाइस ये है राधा का घर बिचारी का, कैसा देखो सकते ये मड़ैया रखी हुई है। तो गाइस देखिए हम तो फर्स्ट ही बार आए, एक बार आए थे तो थी नहीं दीदी, देखो कितनी कितनी गरीबी है। सच में भगवान ऐसी गरीबी किसी को ना दे। देखिए यही खजार में रहती, पहली बात खजार हो कितो है देखो आप लोग, वो नल लगो जो शिवानी दीदी ने लगाया था वही नल लगा, और भी लोग आए। और वो सूरज जो उनके हस्बैंड थे क्या कहते थे, ब्यूज के लिए कर रही है, ब्यूज के लिए अगर करती होती ना तो मैल खड़ा होता शायद, उन्हें पता होना चाहिए। अगर ब्यूज के लिए कोई इंसान ब्यूज के लिए बीमार होगा, ब्यूज के लिए कोई बोतल चढ़वाएगा, हम सारे ब्लॉग देखते थे उससे। हम तो कभी सामने से रश्मि से मिले भी नहीं हैं लेकिन हमने वीडियो कॉल बात जरूर की थी। सच में बहुत दुख हो रहा हमें तो। बस वो कहती हैं उनकी राधा देवी जो है ना वो कह रही हैं कि मतलब मेरी लड़की को मारा है मतलब और पेट में जो प्रेग्नेंट थी बच्चा था पेट में, लात दर्दी इसके लिए वो, और वैसे चाहे बच भी जाती और इंसान को एक तो एक इंसान होता है कि जिसकी बीवी ख़त्म हो जाए कम से कम वो देखने तब भी आता, वो तो देखने तलक भी नहीं आया भी उसकी, और अब तो हमें दिख भी नहीं रहा। वैसे डेली वीडियो आते थे और आदमी हो के एक औरत की इतनी गंदी गाली देता है सच। तो गाइस अभी दीदी तो है नहीं और कितो खजार हो, देखो यही बेचारी रहती थी रश्मि कैसे रहती होगी, जब बारिश वारिश होती तब कैसे क्या होता होगा। गाइस यही वो नल है जो शिवानी दीदी ने लगवाया था, इसी के पीछे जाने कितनी लड़ाई हुई है राधा देवी की और शिवानी दीदी की। तो गाइस देखिए काफ़ी लोग हैं वीडियो बना रहे हैं, खजार इधर खजार हो कितो बता, इतने सब लोग रहते थे, हम तो पहली बार आए। तुम आ चुके भैया क्या? हाँ बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे ये सब बना हुआ था, छप्पर वगैरह पड़ा था। आप ब्लॉग बनाते हो? जी मैं ब्लॉग बनाता हूँ कन्नौज से, तो बहुत मस्ती किया करते थे हम शिवानी वगैरह सब। अच्छा पहले से आप आते हो? बहुत पहले से, रश्मि यहाँ एक्सपायर नहीं हुई थी, अब तो एक्सपायर हो गई, तो यहाँ पे हम लोग मस्ती वगैरह करते थे, बहुत सारी बातें करते थे और यहाँ पे रुके भी हम लोग रात रात भर यहाँ पे। अच्छा पहले आप यहाँ पे रहते थे? बाय वो नहीं था कि हम लोग किसी दूसरे घर आए, मतलब नेचर अच्छा था उसका, सोचा नहीं था कि एकदम से ऐसा कुछ हो जाएगा। तो गाइस बस अब राधा देवी का इवेंट हो रहा है, दीदी आ जाए जल्दी से मिलने फिर हम जाए, क्योंकि अकेली बहन थी और एक ही यही एक भाई था, अगर कल रक्षाबंधन है अगर काश वो बहन होती तो आज शायद कलाई में राखी बांधती तो कितना अच्छा लगता, बेचारा वो कितना उदास है आप लोग देख सकते हो सच में। ये नेहा है, और बता तुम पहली बार मिली कैसे लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो कहा नेहा खूब मोटी हुई है
बच्चा तो उससे ज्यादा पता नहीं है। सबरे का नशे दिखती, हमारी नशे दिखती तो दिखती, जो की नशे दिखती है उससे ज्यादा पता नहीं है। क्या करें, की सीरप पिए लगो सपना में सीरप पियत कही हमें भूखो लगे, रात में उठ के 12 बजे खाना खाने लगा था। एक दीदी और आ रही है, सब आ ही रहे, भीड़ हो रही है। देखो तो गाइस ये दीदी आई हुई है, छिबड़ा मम हम तो कभी मिले नहीं ना, हमने देखा बता रहे हैं। आज मुलाकात हो गई, आज हो गई। दसवीं जाते जाते इतनी सारी यादें छोड़ गई जो सब लोग आ रहे हैं। जब वो लोग वायरल हुए तब सब लोग आए थे, और हमने तो वीडियो कॉल पे बात की लेकिन कभी हम मिल नहीं पाए। क्या नाम तो आए दीदी? मेरा नाम सपना है। हम तो बात हमने बहुत की, मतलब ये भी बोल रही थी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अपनी मेरी टीम में रह लो, आके साथ में चलेंगे, लेकिन कभी मिल नहीं पाए सामने से। अच्छा, दीदी तो बहुत अच्छी है, अभी वीडियो तो देखी नहीं है मैंने। कोई बात नहीं, हम लोग आए तो दीदी पता बहुत अच्छा। मीडिया वाले भैया आए थे, पूछ रहे थे कैसे आप लोग ब्लॉग बनाती हो, हमने बनाते हैं शिवानी, मतलब किसको देख के सीखे, हमने शिवानी को देख के सीखे हैं, बहुत कुछ पूछ के गए हम तो हंसी आ रही थी, लेकिन ब्लॉग नहीं बनाते। रियाज पूछा केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, मीडिया वाले पढ़ाई लिखाई पूछ रही है क्या करे, हम तो जा रहे हैं, हमें तो पता नहीं है कुछ, तभी तुम इधर उधर भाज रहे, ये तभी इधर उधर जा रहे, बेर बेर को हमसे ना पूछ दे। ये क्या करे, तभी इधर से इधर भाज रहे। दीदी रो रही है, देखो मैया का सूरत देख तसल्ली बाद है, अरे दैया रे आ दैया मेरी सकल को बचरा कोई नहीं दिखाए पर, हर दैया बा सकल को कोई नहीं घर में दिखाए परत। देख रही हो आपके हम हैं दीदी साथ में, सब लोग बैठो बैठो। वो तो सब कछु लाल दिखतो तो अच्छो लगतो लाल को, दसवीं दीदी इतनी बीमार सब कछु लाल की क्रिया मेरे सामने होते, अब नाई देख ये चुकत दैया रे, अरे दैया मेरी क्रिया होती मेरे बेटा दिखतो तो मोय अच्छो लगतो, अरे दैया रे भैया बिटिया को यो सब नाई देखे चुकत दैया रे। दीदी हम बहुत परेशान है, सच में बहुत रो रही हैं, बहुत दुख हो रहा है सच में। एक माई माई होती है वाली जो तुमने देखी थी, कौन वही कर रहा होगा, देखो जाके कत्ते ना मारो मुंह में मारो, और कात की ब्यूज के इंसान के ब्यूज के लिए कर रही, कोई अस्पताल में बोतले ब्यूज के लिए चढ़वाएगा अगर ऐसे नशा दारू में तो ना आदमी अस्पताल करो नहीं, आज जाना बुरे कर्म करे जाना, और ऐसी तो गाली दे, हमने तो कमेंटो करे थे एक माँ समान होते हुए ऐसी गाली दे। मोबाइल ही हम देखते मोबाइल ही दीदी आप एक बार बताओ। हाँ जब राधा है जब बहुत खराब है, सूरज सूरज ऐसे काटते है, सूरज तो मैं देख के शर्म लगू चाहिए। फोन करो हम जैसे कबू गलत नहीं बोले, जब फोन करो जब आओ नहीं तब हमने कही अगर अब आओ तो हम
चप्पल ही लेकर मारा है। अगर आप कहूँ आओ तो वही आज हम फोन कर रहे, मेरी बिटिया बीमार है, तू पर नहीं रुपया पैसा हम लग रही है, तू घर है तो मतलब अपने पेट की बात तो तुम मोए बताए, जैसे हम तो अपने पेट की बात बताते ऐसे तू हमारे ढंगा तुमने तो मारो कछु तू हमारे ढंगा, हम तो सब कुछ निपटाई है, तू आ जाओ एक दाएं नहीं आओ। पहले चाची चित निपटा मेरा ऐसे खत्म हो गई, तब वो फोन करो लल्ला ना 2 बजे रात के, 1 बजे लगाओ बिजी गो, फिर 2 बजे रात के फोन लगाओ तो बिजी गो, लेकिन फिर 2 बजे उठाए लो फोन। बिट्टी ने कही बहन ने कही लल्ला ने कि रस्म ही खत्म हो गई, कई ठीक रहो कई बढ़िया रहो कई कई बढ़िया रहो कई, अब बस काट दो फोन। अब आप लोग न्याय दिलाओ, कोई खबर नहीं ली तो हम जा सोचते कि चलो जो आई है जाते पूछिए तूने का करो का नहीं करो संशोधन, जब जो नहीं आओ जाना कई ठीक रहो बढ़िया रहो ऐसो हो, जब नहीं आओ तब मट्टी चीलगढ़ पठवाई गई। अब मट्टी संजय की जेबे वाली हती, हमने मना करते ही नहीं भेजे हैं कि जो आए जाइए तो मट्टी दिए छीछा ले इधर नहीं करेंगे ना। शाम का बिट्टी 11 बजे रात का खत्म पाई, बताओ 15 अगस्त वाले दिन ना 14 तारीख का देखो 11 बजे रात का, अब 15 अगस्त को मट्टी लगी थी बिट्टी की। अब कल लो और रैया मातो तो दीदी दाग ने लगाओ तो लल्ला ने लगाओ बड़े वाले दाग, जब आए नहीं तो दाग का दिए जब देखन तो आए नहीं दाग दिए हो तो इंसान अपनी मट्टी को ले जा तो फांसी थोरो लगाए देते। अगर गलती नहीं होती तो यहाँ तो बाजे क्यों, तेरी गलती नहीं आती तुम मेरे संगा लग तो कोई अगर तो कछु का तो हम जिंदा आते तो हम तो एक बार बात कर दो की मम्मी ऐसी बात है तो कर वीडियो बनाए चक्कर में, वीडियो बनाए चक्कर में वीडियो ही हम देखते बनाते रहे, व्यूज आ रहे थे ना वीडियो आ रहे थे रोज, वीडियो के बाद देखने तक लगना है कोई इंसान के बस हमने आओ ही चाहत हमारी बिटिया ने आओ मिला जो हमारी बिटिया संग जो अत्याचार करोगे बिटियन के संग अत्याचार हो ना देखो कितनी भीड़ है। तो गाइस अब हम तो जा रहे हैं घर पे और घूम लिए, हम तो पहली बार सच में बहुत रो रही हैं, सपनों से ऐसा तो नहीं करना चाहिए था जैसे उसने किया। एक इंसान देखने तब भी आता है, वो कह रही कि दाग लगाने भी तलक नहीं आया, यानी कि वो उसे चाहता ही नहीं था तब तो नहीं आया। वो अपने मुंह से बता रही थी मुंह दबा के मारो पेट में मारो कैसा मारो ऐसे मारो ऐसे बताए सब बता रही थी। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, काफी भीड़ है देखो आप लोग देख सकते हो, बहुत लोग हैं, सब लोग सपोर्ट के लिए खड़े हैं दीदी के पास में, और उधर मीडिया वाले भी हैं उधर आप लोग। उसने तुरंत आंखें नहीं खोली, जय की रूबी दीदी तू आ गई, तूने आने बहुत देर कर दी रूबी दीदी बचा ले। अब मतलब डेथ होने से पहले आपसे भी कुछ बताया था उसने कैसे? हाँ, फिर हमने पूछी, हमने कही तुम्हें भाव का तो हमें जा बताओ, जबकि हमें यहाँ मारो यहाँ मारो यहाँ मारो, देखो हमने किन्ने मारो सूरज ने मारो, तो हमने कि तुम परेशान ना हो सबसे पहले हम तुम्हारा इलाज करवाए, हम दिल्ली 13 तारीख की शाम को ही हम दिल्ली चले गए, 14 के सुबह यहाँ लौट के आए, जब तक हमें कुछ भी हम यहाँ आके बता पाते तब तक हमारे पास खबर पहुँच चुकी थी, हम बाद से ही यहाँ पे आ गए तुरंत, और उस दिन से हमें रोज़ बुखार आता है, मतलब मेरी आवाज़ तक नहीं हो चुकी है, हम बोल ही नहीं पा रहे, वो हादसा उस लड़की की कितनी बुरी दिशा हुई है हम बता नहीं सकते, हम पोस्टमार्टम में साथ थे, हमारे यार ही ना आके सीधे चौली पहुँचे जहाँ पोस्टमार्टम हुआ था, पूरा यहाँ से फाड़ दिया गया, यहाँ से 21-22 साल की उम्र नहीं हुई और सारा कुछ झेल लिया उसने। आपसे जब बात नहीं यहाँ रहती थी, जब हम उनसे सारी परिस्थिति पूछे थे रश्मि से कि तुम अपने पति के साथ काहे नहीं जाती है, तब उनने बताया था कि हमें मारा था और बहुत ज़्यादा मारा था, तो हमें सब लोग यहाँ लेके आए, जा वजह से नहीं जाते,
हम राधा दीदी से भी कहे थे कि अगर ये मारता है तो भेजना मत एक दिन, लेकिन आप रश्मि को नहीं भेजोगी। हमने उस दिन भी आके यही राधा दीदी से कहा था कि राधा दीदी क्यों भेजा, तो ये बोल रही है कि हमने नहीं भेजा, तो रश्मि अपनी मर्जी से चली गई थी। वो कह रही थी कि शायद सुधर जाए मम्मी, ये नहीं दूसरा करोगे। जब रश्मि बीमार थी सारे लोग कह रहे थे माँ बेटी मिलकर ना धंधा करना चाहती हैं, माँ बेटी मिलकर ना नाटक कर रही हैं, मतलब ड्रामे के लिए हैलेट हॉस्पिटल तक भर्ती हो गई थी जाकर सिर्फ पैसा। जो दीदी रहती थी रश्मि के साथ में रूबी नाम था, ज़्यादातर वही वीडियो बना के डालती थी रश्मि के, तो वही अभी इंटरव्यू उनका चल रहा है। तो गाइस अभी हम रोड पे खड़े हैं और अभी सवारी नहीं मिल रही है, राधा देवी से मिल के तो आए गए हैं, अब हम घरे जा रहे हैं। बादल इतनी तेज है पानी ना गिरे लगा को भीग ना जाए, एक खाली ना आ रहे सब भरे हुए रिक्शा आ रहे सब भरे हुए। तो गाइस हम घर पे आ चुके हैं, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ध्यान से, और वीडियो को शेयर भी कर देना। और सच में बहुत ज़्यादा अब हम थक चुके हैं और भूख भी बहुत तेज लगी है, तो अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, अब हमारी तबीयत ठीक भाई है, रक्षाबंधन की भी ब्लॉग आएंगे, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ में, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।